गिरिधर बेस्ट एक स्कूल टीचर उन पर कोई गोली चला देता है, लेकिन हमलावरों का अब तक कोई पता नहीं। आज हम आपको दिखा रहे हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क हो ना, इस जॉनी घर का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और ये प्रीति भी अपने ताऊ गिरधर की हत्या करवाने की कोशिश में पूरी तरह से शामिल है। मुझे वहां नहीं रहना पापा, मुझसे मेरी आजादी मत छीनिए। जो आजादी तुझे दे के रखी है ना बेटा, ये उसका नतीजा निकला है। तो खुद को बर्बाद कर लेगी, तू नहीं समझ रही है। ऐसा क्या जानते थे गिरधर भाई साहब जो हमें भी नहीं बताया? सर, एक प्रोफेसर साहब हैं जो बात करने को तैयार हैं, पर वो अपना नाम इस केस से बाहर रखना चाहते हैं। मिलते हैं उनसे, हो सकता है उनसे कोई ऐसी बात पता चले जो इस केस को आगे बढ़ाए। ये लड़का जॉनी गर्ग, उसने काफ़ी परेशान किया था प्रीति को, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ लगता था। लेकिन प्रोफेसर साहब, हैरानी की बात यह है कि प्रीति ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की, न घर पर न कॉलेज में, पुलिस की तो बात ही दूर की है। ये प्रीति भी खट दिमाग की है, वो ऐसी लड़की नहीं है जो चुपचाप बैठ कर सहे। हालांकि ये मेरा अपना मानना है। आपको लगता है प्रीति ने उसे सबक सिखाया होगा? कुछ ना कुछ तो किया होगा सर। ये लड़का जॉनी गार्ग गायब कैसे हुआ? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या है ना सर, जब मामला प्रीति जैसी स्टूडेंट का हो तो लोग कई तरह की बातें करते हैं। किस तरह की बातें? सुना है प्रीति को देहरादून भेज दिया गया उसके ताऊ जी के पास, किसी लड़के से दूर रखने के लिए। कौन था वो लड़का? कहीं वो लड़का जॉनी ही तो नहीं था? पता नहीं सर, एक्चुअली एक प्रोफेसर साहब हैं जो बातों बातों में बता रहे थे। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो प्रीति है ना, ये सीधी साधी लड़की नहीं है। अब मैं क्या कहूँ सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इन सब का मेरे भाई साहब पर हुए हमले से कुछ लेना देना हो सकता है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई जाति दुश्मनी सामने नहीं आई है जिसकी वजह से आपके भाई साहब गिरधर बेस्ट पर यह हमला हुआ, तो इस हमले का मकसद थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। वो लड़का कौन था जिसकी वजह से आपने अपनी बेटी प्रीति को अपने भाई साहब के यहाँ भेजा था? उसका नाम अजीत है, अजीत कौर। बेटा, तेरे लिए भी तो चेंज हो जाएगा ना? मेरे लिए? ये सब आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। प्रीति, तुझे जरा भी समझ नहीं है कि तुझे किसके साथ उठना बैठना, किसके साथ नहीं, इसलिए कर रही है सब। एक मिनट विनायक, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। प्रीति बेटा, तू अभी केवल 21 साल की है, सारी उम्र पड़ी है तेरे आगे, फिर मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ, ताऊ हूँ। आप अपनी बेटी को अजीत से दूर क्यों भेजना चाहते थे? क्या प्रॉब्लम थी आपको अजीत से? एक नंबर का बदमाश है वो, चोर उचक्का है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि प्रीति खुद भी ये सब जानती थी। शर्म नहीं आती तुझको? तेरी हरकतों की वजह से हम सबकी नाक कट रही है, इसका भी ख्याल नहीं तुझे? अजीत अच्छा लड़का है पापा। खाक अच्छा है, चोर उचक्का है वो। पता है पापा, पर कोई चोर बनके तो पैदा नहीं होता ना। पैदाइश चोर हो या ना हो, तो आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगी, बस। तू क्या सामाजिक परिवर्तन के लिए पैदा हुई है? विनायक जी, जैसे जैसे हमारी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि इस केस के तार आपकी बेटी प्रीति से जुड़े हैं। मैं नहीं मान सकता, गिरधर मेरे सगे भाई हैं, प्रीति के ताऊ हैं। हमले की पहली कड़ी अब साफ नजर आने लगी थी, अजीत का प्रीति के साथ संबंध था। क्या यह हमला प्रीति के ताऊ का प्रीति पर से कंट्रोल खत्म करने के लिए किया गया था? क्या प्रीति भी इसमें शामिल थी? अजीत से दूर रखने के लिए मुझे अपने ताऊजी के घर भेज दिया गया था, उसके बाद से मैं उसे कभी नहीं मिली हूँ। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है। हमारी जांच से सामने आया है कि आपके ताऊजी पर हमला करने वाला शख्स अजीत ही है। अब इस हमले से आपका क्या लेना देना है, ये आप खुद बताएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा ना आपसे सर, मेरा अजीत से कोई लेना देना नहीं है, और आप किस बिना पर ये कह सकते हैं कि अजीत ने ये हमला मेरी वजह से किया होगा?
अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि ये हमला मेरी वजह से हुआ है, तो अजीत अब मेरे ताऊजी पर हमला क्यों करेगा? मैं तो 3 महीने पहले ही यहाँ वापस आ चुकी हूँ, अपने ताऊजी की कैद से रिहा होकर। अपने ताऊजी की कैद से रिहा होकर? प्रीति के हिसाब से वो अपने ताऊ के घर पर कैद में थी, मतलब जबरदस्ती रोका हुआ था गर्दन ने प्रीति को अपने घर पर। आप मुझे इसे बंद करके नहीं रख सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं तेरे साथ। क्या वाकई गिरधर जी ने प्रीति को कैद कर रखा था? क्या सच में उसे किसी किस्म की कोई आजादी नहीं थी? और ये अजीत तब भी उसे मिलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सर, अटैक तो प्रीति के घर लौटने पर हुआ था, तब तो वो कैद से आजाद हो चुकी थी। यही तो पता लगाना है। ये अजीत एक पेशेवर चोर है, तो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। और ये केस भी एक मोबाइल की चोरी के साथ शुरू हुआ था, एक ऐसा मोबाइल जिसका इस्तेमाल गिरधर जी को फोन करने के लिए किया गया। एक चोरी का फोन और एक नकली नाम से खरीदा गया सिम कार्ड। बाइक पे सवार दो हमलावर, साफ जाहिर है कि यह काम किसी पेशेवर मुजरिम का है। इस अजीत के रिकॉर्ड्स निकलवाओ, अगर प्रीति नहीं भी बताएगी तो हम खुद ढूंढ निकालेंगे इस चोर को। प्रीति, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को जॉनी के बारे में कुछ पता चल गया तो। चुप कर, घबरा मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस अजीत गौर के कई रिकॉर्ड्स हैं। बिंदमपुरा और उसके आसपास के इलाकों के कई पुलिस स्टेशन में इसके नाम पर केसेस दर्ज हैं, चोरी के, डकैती के। काफी पुराना और शातिर खिलाड़ी है ये। हर केस में इस पर इल्जाम तो लगा लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। इसके कुछ साथ वाले पकड़े गए जिनसे इसका नाम मिला। ये एक बार अरेस्ट भी हुआ था सर, कुछ 4 साल पहले। यानी हिस्ट्री शीट रहे। कहाँ रहता है? कुछ पता नहीं चला है सर। कोई संगी साथी, कोई दोस्त? या सर, कोई एक है सुशील राज के। ये देखिए सर, इसके बारे में पता लगाओ। मैंने अपना आदमी भेज दिया सर। हाँ, शायद यही था। मैंने इसे बस एक बार देखा था अपनी बेटी के साथ। प्रीति जी, क्या यही वो अजीत गौर है? जी हाँ। इस प्रीति का फोन टैप करो, अगर इसने अजीत को फोन किया तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि अजीत कहाँ है। यस सर। इसे मेरे साथ रखने का कोई फायदा नहीं है विनायक। ये अब भी अजीत से मिलती, ना किसी की बात सुनती है ना समझती है। सोचा तो ये था कि लड़की है समझ जाएगी, पर नहीं, इसे तो हर बात में बहस करनी है। ऊपर से मुझसे कहती है कि एक चोर से शादी करने में बुराई क्या है। इसे तो उसी उचक्के के साथ रहना है। आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी। निर्मला, इसका मोबाइल ले लो। पापा, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तू खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है बेटा। तुझे देखकर मुझे चिंता होने लगी कि नूतन भी कहीं इसी रास्ते पर न चल पड़े। क्या यह सब प्रीति ने किया है उस अजीत के साथ मिलकर? नहीं भाभी, प्रीति बहकी हुई है लेकिन वो कभी भी इस हद तक नहीं जा सकती। ये
21 साल की प्रीति जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, अपनी शर्तों पर, उसकी अपनी सोच थी, और इस सोच में वो किसी भी हद तक जा सकती है, ये सोचकर उसके माता पिता भी घबरा रहे थे। दूसरी तरफ अजीत तक पहुंचने का चूहे बिल्ली का खेल अभी जारी था। सर, हमने अजीत गौर के साथ ही सुशील राजगीर को हिरासत में ले लिया है। वेरी गुड, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए। अजीत कहाँ है? सुना नहीं तूने? मुझे अजीत कार चाहिए बिना बकवास के, जल्दी से उगल दे, वो कहाँ है? सब तकरीबन 2 साल पहले तक मैं अजीत साथ थे, फिर वो अलग हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते साहब। साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। इतने साल से उसके साथ काम कर रहा है, तुझे नहीं पता इस वक्त वो कहाँ है? साहब मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके माँ बाप कहाँ पे रहते हैं। बोल। अजीत गौर यहीं रहता? जी मेरा बेटा है, पर इस वक्त घर पे नहीं है। वो तो पता ही था, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस वक्त वो घर पर नहीं है तो और कहाँ है? यहाँ भी कुछ मिला है। साहब, अजीत अपनी मौसी के घर गया है। आ रही थी उसकी मौसी। और कब गया है वो? 1 हफ्ता हो गया। यहीं कैनी गांव में रहती है मेरी बहन, वहीं गया है। सर, पूरे घर में लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स छुपा रखे हैं। साफ लगता है कि चोरी की है। हम आपकी बहन के घर जा रहे हैं, और अगर हमारे वहां पहुंचने से पहले आपका बेटा अजीत कौर वहां से भाग गया तो हम समझ जाएंगे कि आपने उसे हमारे यहाँ आने की खबर दे दी, और अगर आपने ऐसा किया तो अपने बेटे के साथ साथ आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जोल जी, अब मालती गौर की बहन है? जी हाँ। एक मिनट हटिए इधर। क्या हुआ साहब? बताओ साहब, बताइए साहब, क्या हुआ साहब? बताइए साहब। यकीन बाका भाई, मुझे तो बताइए क्या हुआ साहब। थोड़ा सा लेकिन बताइए। क्या हुआ साहब? छोड़ो ना साहब, मुझे बताओ तो क्या हुआ। हाँ नहीं, चलो साहब बताता हूँ क्या हुआ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो साहब बताओ तो साहब, मैंने किया क्या? अरे यार, अरे मैंने किया क्या साहब? मैंने कुछ नहीं किया। बताओ साहब, अजीत अब पुलिस की हिरासत में था और बहुत से राज खुलने वाले थे, बहुत से चौंका देने वाले और खौफनाक सच सामने आने वाले थे जो इस केस को एक अलग ही रूप देने वाले थे, एक ऐसा रूप जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे? जबरदस्ती पकड़ के ले आए मुझे। साहब मैं किसी गिरधर को नहीं जानता हूँ। हाँ प्रीति को जानता हूँ, लेकिन उससे भी मेरा कोई लेने देना नहीं है। सर, इसके घर से मिले मोबाइल फोन्स में से एक फोन ऐसा मिला है जिसका IMEI नंबर वही है जिससे गिरधर को गोली लगने से एक दिन पहले फोन किया गया था। देख लिया? या भी यही कहोगे, तुमने इस फोन का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तुम गिरधर को नहीं जानते, सच बोलोगे या पहले तुम्हारी बैटरी चार्ज करूं? मैं बोल बोल, सुन रहा हूं, बोल। हाँ साहब, प्रीति के ताऊ को गोली मैंने ही मारी थी।
और वो फोन फोन क्यों किया था? गिरधर बेस्ट को गोली मारने का मकसद क्या था? बोल! ऐसे नहीं बोलेगा। नहीं 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 सर, मारना मत, मैं सब बताऊंगा। बोल बोल जल्दी बोल, इससे पहले कि मैं शुरू हूं तो शुरू हो जा। साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, प्रीति के ताऊ ने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। प्रीति? तो इस सब में प्रीति भी शामिल थी? ये सब कुछ प्रीति की वजह से हुआ था, जैसा कि हमें शुरू से ही शक था। क्या किया था प्रीति के ताऊ गिरधर बिष्ट ने प्रीति के साथ? मैं वापस आ गई हूं, पर अभी भी वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। मम्मी पापा के कान भरते रहते हैं मेरे खिलाफ। अरे तुम्हें पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ प्रीति? आप मुझे इसे बंद करके नहीं रख सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं तेरे साथ। जी आप क्या कर रहे हैं आप? वही जो तेरे जैसी लड़की के साथ करना चाहिए। अगर तू ये सब अपने माँ बाप को बता भी देगी तो कौन मानेगा तेरी बात है? क्योंकि वो जानते हैं कि तू कितनी बेशरम लड़की है। और तेरे जैसी चरित्रहीन लड़की अगर मुझ पे इल्जाम लगाएगी तो सब यही मानेंगे कि तू मुझे फंसा रही है। दाजी मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए दाजी, मुझे ये क्या कर रहे हैं दाजी? मैं आपसे प्रीति जोड़ती हूं दाजी, अब ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए दाजी प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? फायदा उठाया उन्होंने मेरा, मुझे सुधारने के नाम पर मेरे माँ बाप को भड़का कर, बस यही राग गाकर कि मैं उनकी नाक कटवा रही हूँ, ये सब किया उन्होंने मेरे साथ। हैवान है वो, ऊपर से संत महात्मा, अंदर से जानवर है। छोड़ूंगा नहीं प्रीति उसे, मैं अपनी इस गंदी हरकत की कीमत जरूर चुकाऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। प्रीति के ताऊ ने प्रीति के साथ जबरदस्ती की, लेकिन प्रीति ने इस बात की शिकायत कभी भी किसी से क्यों नहीं की? कैसे शिकायत करती साहब, और किससे करती? उसके माँ बाप पहले से उसे झूठा और मक्कार मानते थे, बस इसी बात का फायदा उठाया उसके ताऊ ने। मैं बहुत गुस्से में था साहब, बहुत ही। ये सब मेरा प्लान था, मुझे बदला लेना था। हेलो। हेलो प्रीति, अजीत बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरा ताऊ कल घर जा रहा है। वो काल दुर्गा रोड से जाएंगे, वो रास्ता बहुत सुनसान होता है। कल घर जा रहा है वो, मिलते हैं उससे। इसका मतलब है प्रीति शुरू से ही सब कुछ जानती थी। हाँ साहब। झूठ है ये सब, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, और मैं नहीं जानती इस सब में अजीत मेरा नाम क्यों खींचा है। प्रीति आपने हर काम अपनी मर्जी से किया, अपना बदला भी अपनी मर्जी और अपने तरीके से लिया। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, या कम से कम अपने माँ बाप को बताना चाहिए था कि आपके ताऊ जी आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। क्या किया भाई साहब ने? क्या किया मेरे ताऊ जी ने? सर आप ये क्या कह रहे हैं? प्रीति क्या किया गिरधर भाई साहब ने तेरे साथ? पापा मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। क्या मेरे ताऊ जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की, ऐसा कहा उसने? जी। अजीत ऐसा कैसे कह सकता है? उसने मेरे ताऊ जी पर गोली चलाई है, अब मेरा नाम लेकर मुझे फंसाना चाहता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। आपके कहने का मतलब है कि आपके ताऊ जी ने आपके साथ
कभी भी कुछ गलत नहीं किया। जी सर, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? वो मेरे ताऊजी हैं, मेरे पापा की तरह हैं वो। हाँ, मैं उनसे थोड़ी सी नाराज थी, वो मुझे यहाँ से ले गए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा के कान भी भरे मेरे खिलाफ, पर सर उनके बारे में इतनी गंदी बात। आज मैं जान गई कि वाकई में ये अजीत कितना गिरा हुआ इंसान है। नूतन, क्या क्या गिरदे ने प्रीति के साथ? तुझसे कुछ कहा था प्रीति ने? नहीं पापा, मुझे दीदी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। क्या करने पर तुली है ये लड़की, पता नहीं कौन सी नई कहानी बुन रही है। और वो क्या इल्जाम लगा रही है मेरे पति पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अजीत ने उन्हें कुछ बताया। मेरे पति को प्रीति की मदद करने के लिए आगे आना ही नहीं चाहिए था, उसी ने इनकी ये हालत बना दी है। रहे तो पुलिस के सामने कि मेरे ताऊजी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोल के? प्रीति, तूने तो कहा था ना तुझे बदला चाहिए। बकवास कर रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है मुझे फंसाने के लिए। साहब ये बात से मुकर रही है? अरे रो के बोला था ना तुझे अपने ताऊजी वाली बात। मैं ऐसा बोलूंगी? वो ताऊजी है मेरे, बड़े पापा है वो, मैं उनकी गोद में खेली हूँ। मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया उन्होंने, मेरी हर गलती को माफ किया है। मानती हूँ मैं उनसे नाराज थी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन पर ऐसा आरोप लगाऊंगी। साहब भरोसा मत करना इस पे, झूठ बोल रही है। झूठ मैंने ये बोल रहा है सर, चोर तो ये है ही, झूठ बोलना इसकी आदत है। ये मुझे फंसा रही है साहब, और ये मुझे फंसा के खुद साफ निकल जाना चाहती है। साहब मैंने जो कुछ भी किया सब इसके कहने पे किया था। सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये कहानियां बना रहा है। सब जानते कि ये चोर उचक्का है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तो बता, तेरे ताऊ को मारने के लिए किसने दिए थे पैसे मुझे? बोल बोल ना, बता। मुझे क्या पता, तेरे जैसे का क्या भरोसा? लूटने गया होगा तू ताऊजी को, मुजरिम तो तू है ही, मजे के लिए ताऊजी को गोली मार दी होगी तूने। साहब ये मेरे को फंसा रही है, लेकिन सबसे बड़ी झूठी तो ये खुद है। साहब आप खुद सोचो, जैसा कि ये बता रही है इसका ताऊ बहुत नेक और शरीफ आदमी था, तो ऐसे अच्छे आदमी को बिना किसी वजह में गोली क्यों मारूंगा? आप खुद सोचो ना साहब। और साहब ने इससे उस जॉनी गर्ग के बारे में भी जरूर पूछो। जॉनी कहाँ से आया इस सब में? साहब आप खुद पूछो ना इससे। बोलो प्रीति, इस केस से जॉनी का क्या ताल्लुक? सर मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर रहे हैं। साहब इससे आप पूछो कि जॉनी कहाँ है, इसे सब पता है कि क्या हुआ उसके साथ। अगर ये आपको नहीं बताएगी ना, आप इसकी बहन नूतन से पूछना, उसे भी सब पता है कि क्या हुआ उसके साथ। सर ये नई कहानियां बना रहा है मुझे फंसाने के लिए, आप इसकी बात मत सुनिए। अच्छा कहानी बना रहा हूँ मैं? क्या कहानी बना रहा हूँ मैं? साहब आप खुद सोचो, फिर मुझे जॉनी के बारे में कैसे पता होगा? एक नंबर की झूठी है साहब, ये आपको कुछ नहीं बताएगी, आप इसकी बहन से पूछो। ये सब क्या हो रहा है सर? अब क्या कर दिया प्रीति ने, और आप मेरी बेटी नूतन को कहाँ ले जा रहे हैं? हमें तो पता भी नहीं है कि जॉनी कौन है और वो कहाँ है। हमें भी क्या पता कि जॉनी कहाँ है, लेकिन आपकी ये दोनों बेटियां जरूर जानती हैं कि जॉनी कौन है और कहाँ है। अंदाजा नहीं था आपके भाई साहब का केस इतना टेढ़ा हो जाएगा। पापा, पापा, प्लीज, पापा, पापा। प्रीति बिष्ट जिसके ताऊजी गिरधर बिष्ट पर जिसने गोलियां चलाई थी, वो मुजरिम अजीत गौर पकड़ा गया था। अजीत जिसने उन पर गोलियां चलाई थी, उसने इस जुर्म में प्रीति के शामिल होने का खुलासा किया। जब प्रीति ने उसके इस इल्जाम से इनकार कर दिया, तब अजीत ने जॉनी गर्ग का नाम उठाया। जॉनी वो लड़का था जो कॉलेज में प्रीति को परेशान कर रहा था, और अजीब बात यह थी कि अब इस पूरे सिलसिले में प्रीति की छोटी बहन नूतन का नाम भी सामने आया था। यह पेचीदा केस अब एक भयानक साजिश का रूप लेता नजर आ रहा था। तो तुम तीनों में से पहले कौन शुरू करेगा? कौन बताएगा कि जॉनी कहाँ है? साहब जॉनी प्रीति को कॉलेज में बहुत परेशान करता था। तुम तब भी प्रीति के साथ थे? तुम प्रीति को कॉलेज के दिनों से जानते हो? हाँ साहब, मैं और प्रीति तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलो प्रीति, ये जॉनी का मामला क्या है?
क्या बात है प्रीति, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा रही हो बल्कि खुद मेरे पास आ रही हो। आज तो खुशी से पागल हो जाऊंगा मैं। देखा, चल गया ना मेरा जादू तुम पे, समझ गई ना तुम भी कि कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें। खुद खींची चली आई ना मेरे पास। इतना प्यार करते हो मुझसे? पहली बार पूछ रही हो मुझसे प्रीति, पहली बार। सिर्फ प्यार ही नहीं करता हूँ, जान दे सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्यार ने मुझे भी तुम्हारी दीवानी बना दी, मैं भी तुम्हें चाहने लगी। प्लान क्या था तुम्हारा? शिमला जाएंगे परसों। और तेरे मम्मी पापा मान जाएंगे? उन्हें मैं पहले से ही मना चुकी हूँ, बस 2 दिन की तो बात है पापा। नूतन भी आएगी ना मेरे साथ? प्रीति तो मेरे लाल प्यार का बहुत फायदा उठाती है, लेकिन तेरे रिजल्ट्स वहीं के वहीं हैं। मार्क्स जरा भी बढ़े नहीं, लेकिन तुझे घूमने जाना है। आपको पता नहीं है पापा, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, देखना आप अच्छे मार्क्स से पास होंगी। प्लीज पापा, बस एक ये ट्रिप पे जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन, और इसमें भी तेरा मोबाइल हमेशा ऑन रहेगा, मैं किसी भी वक्त तुझे फोन करूंगा, समझी? ठीक है, थैंक यू पापा। जॉनी जॉनी, यस पापा, शिमला जाओगे? यस पापा। दीदी, ये जॉनी वही लड़का है ना जो आपको परेशान करता है, और आप तो इससे नफरत करती हो ना? बच्ची है तू, कभी कभी नफरत से काम ना चले तो प्यार काम आता है। इस ट्रिप के बाद जॉनी मुझे कभी तंग नहीं करेगा, उसे जो चाहिए मैं प्यार से उसे वही दूंगी। तो उस दिन जॉनी तुम्हारे साथ शिमला गया था? कहा था ना जॉनी, तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। एकदम खुशी से मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, इतनी मिन्नतें की, कितनी बार हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, मेरा पीछा करना छोड़ दो, पर तुम नहीं माने, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं वो शर्मीली सी घबराई सी लड़की हूँ तो तुम्हारी इन हरकतों से डर जाएगी, हार जाएगी, है ना? नहीं प्रीति, ऐसा नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आई लव यू। चलो मान लेते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो अपने प्यार का सबूत दो, दे दो मेरे लिए अपनी जान। वही गया जहां उसे जाना था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो 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 यहां से। अब आप ही बताओ साहब, अगर ये मुझे नहीं बहकाती तो मैं इस किताब को गोली क्यों मारता?
थोड़ा सुधार हुआ है इनकी हालत में। मुझे लगता है गिरधर जी जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं, खाई में कोई बॉडी नहीं मिली। दो साल पहले की बात है। मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए, वहां कभी कोई बॉडी नहीं मिली। वैसे वो खाई बहुत गहरी और घनी है, ये बात शायद उस लड़की को पता होगी, इसलिए उसे वहीं से ही धक्का दिया। और हो सकता है कि कुछ समय बाद उस लाश को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। उसकी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने जॉनी को मार डाला है। लेकिन वो उस दिन कितना खुश गया था। मैं हमेशा सोचती थी कि इतना खुश गया है मेरा बेटा घर से, लौटकर घर आया क्यों नहीं। मानता हूं उस लड़की ने आपके बेटे के साथ जो किया गलत किया, बेहद गलत किया। आपका लड़का जॉनी उस लड़की से प्यार करके इतना खुश था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आपका इकलौता बेटा किसी लड़की से एक तरफा प्यार करके इतना खुश था। वो उसके प्यार में पागल हो चुका था। मेरी बेटी साथ तक जा सकती है, हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं प्रीति कुछ गलत न कर बैठे, लेकिन इतना गलत करेगी, एक लड़के को मार डालेगी, अपने ताऊ पे गोली चलवाएगी, झूठ पे झूठ बोलेगी, ये कभी नहीं सोचा था। खुद तो बर्बाद हुई ही, अपनी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने। प्रीति ने यह भी माना है कि उसने अजीत से गिरधर जी के बारे में झूठ बोला था। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि गिरधर जी ने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसने गिरधर जी पे झूठे इल्जाम लगाकर अजीत को उन पर हमला करने के लिए भड़काया। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे में मां बाप करें तो क्या करें। जब बच्चा राह से इतना भटक जाए किसी समझ ही ना रहे कि क्या सही और क्या गलत। मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रहे। प्रीति, अजीत और सचिन पर आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश, और गिरधर बिष्ट पर हमला करने की कोशिश में साझेदारी के लिए धारा 34 लगाई गई है। जॉनी गर की हत्या की जांच चल रही है, सचिन और अजीत हिरासत में हैं, नूतन और प्रीति को जमानत मिल चुकी है। अगर जॉनी प्रीति को इतना तंग कर रहा था तो प्रीति ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। प्रीति ने कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता क्यों अपनाया। आखिर उसने एक ऐसे इंसान से ही प्यार क्यों किया जो जुर्म की दुनिया का हिस्सा था। उसने जुर्म की इस दुनिया में अपनी छोटी बहन को क्यों खींचा, और उसकी छोटी बहन जॉनी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी क्यों डर के चुप बैठी रही। अपने गुस्से से आपा खोकर प्रीति क्यों अपने सगे ताऊ पर ऐसा हमला करवाने की हद तक चली गई जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। बहुत से सवाल हैं जो जवाब की तलाश में ही रह जाएंगे। इनमें से कई सवाल शायद चौंकाने वाले हों कि कब और कैसे एक जवान लड़की इस कदर जुर्म की गहराई में जा सकती है। ये सब सवाल हमें उसी रास्ते पर वापस ले आते हैं, उसी सच्चाई पर कि गलत राह पर चल पड़े इंसान को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि उसका चुना हुआ रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ही जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों ने दूसरों की बात मानी है और अपनी गलतियों को सुधारा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे केसेस में ऐसी किसी भी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है जो उन्हें रोशनी की तरफ ले जाना चाहती हो। यह इंसानी फितरत है कि जो विवेक और समझदारी हमें ऐसी किसी गलत राह पर चलने से रोक सकती थी वो हमें सब कुछ खत्म होने के बाद ही दिखाई देती है, सुनाई देती है। लेकिन हमें उम्मीद है और यकीन है कि हम में से बहुत से लोग गलत राह पर चलने से पहले ही अपने कदम थाम लेंगे, सतर्क रहेंगे,
ताकि जिंदगी सही राह पर चलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।